गाइस नमस्ते दोस्तों। तो आई होप आपने ऑलरेडी जो आज का वीडियो का जो टाइटल है वो टाइटल देख चुके होंगे। तो ये स्मॉल कंपैरिजन बिटवीन द ऑर्डर ब्लॉक्स एंड ऑर्डर फ्लो, तो इसमें डिफरेंसेस क्या क्या है और इसमें बहुत ही ऐसे कम वीडियोस हैं इसके ऊपर, क्या डिफरेंस है ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर फ्लो के बारे में। कुछ लोग दोनों को एक ही बता रहे हैं, नहीं एक्चुअली ये सही बात नहीं है। ऑर्डर फ्लो इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट और ऑर्डर ब्लॉक कम्प्लीटली डिफरेंट आ जाता है, राइट। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट उसके बारे में जितने भी डिफरेंसेस है डिफरेंस के बारे में जानेंगे और ट्राई टू सॉल्व जितने भी यहाँ पे जो डाउट्स है ना आपके आपके यहाँ पे डाउट सॉल्व करने के लिए ट्राई करेंगे, राइट। सो स्टिक टू द कंप्लीट वीडियो, पूरे देखिए तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि ऑर्डर ब्लॉक्स और ऑर्डर फ्लो के बारे में जो भी डिफरेंसेस है वो आपको मैं इस वीडियो में बताता हूँ। तो चलो पहले शुरुआत करते हैं इसके कंपेरिजन में, छोटी सी कंपेरिजन लेते हैं। डिपेंड्स ऑन मोस्ट प्रोबेबली इससे क्या उतना बड़ा डिफरेंस है ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर फ्लो से, सर, राइट। सो गिव मी सेट, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इस स्क्रीन को डिवाइड करता हूँ, राइट। तो इस तरफ है आपके लेफ्ट साइड में आपको जो कैंडलस्टिक और ब्लॉक्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं ना, ये कंप्लीटली बेस्ड ऑन ये ऑर्डर ब्लॉक्स, राइट। करंटली ये इम्बैलेंस तो दिखाई दे रहा है, लेकिन इम्बैलेंस जो ऑर्डर ब्लॉक्स में जो इम्बैलेंस दिखाई देता है, ऑर्डर ब्लॉक्स और ऑर्डर फ्लो, इस दोनों में इम्बैलेंस का हम और एक वीडियो बनाएंगे उसके, इसमें कंप्लीट जो भी एक डिफरेंस है डिफरेंस आइडेंटिफाई करेंगे। बट इस वीडियो में हम कंप्लीटली फोकस करेंगे कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ब्लॉक एंड ऑर्डर फ्लो, राइट। देखो आपको पहली ईजी बात बता देता हूँ, ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक जो है ना एक कंप्लीटली मार्केट स्ट्रक्चर में डिफाइन करता है, ओके। तो ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक्स में आपको जो भी जो लेवल्स आते हैं, जो सप्लाई डिमांड जोन आते हैं और जो मार्केट का जो भी एक बिहेवियर है, इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन आपको मार्केट के स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड रहता है, राइट। तो इसमें कौन कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं कि आपको ये ऑर्डर ब्लॉक बना देते हैं, राइट। ऑर्डर ब्लॉक में आपको कॉन्सेप्ट आता है, इट्स लाइक मार्केट स्ट्रक्चर इज द मेन बेसिक कॉन्सेप्ट, और इसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, और उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर के बाद आपको आ जाते हैं लाइक इंड्यूसमेंट, राइट। और इसके बाद आप आ जाते हैं इट्स लाइक अ प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक, ओके, ऑर्डर ब्लॉक और उसको कैसे ट्रेड करें, और इसके साथ आ जाता है इम्बैलेंस। ये सब कॉन्सेप्ट है, ये सभी कॉन्सेप्ट आपको एक ऑर्डर ब्लॉक के एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बोलो या ट्रेडिंग टेक्निक्स बोलो, आप इसमें इजीली सीख सकते हो, राइट। अगर आपको इसके बारे में कम्प्लीटली सीखना चाहिए जानना चाहते हो तो देन आई डू रिकमेंड देर इज़ अ वन यूट्यूब चैनल कॉल्ड लॉजिकल ट्रेडर, तो आप इनके साथ जुड़ सकते हैं, दे आर टीचिंग अ वेरी वेल। इनके साथ मैंने भी इनका यूट्यूब का वीडियो वगैरह देखा है, आई थिंक ट्रेडिंग हब भी कर इनका सेम ही एक और एक वीडियो चैनल भी है, यूट्यूब चैनल भी है। आप इनके साथ जुड़ के आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो या अपना जो ऑर्डर ब्लॉक्स के जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज है वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आप यहाँ पे इजीली सीख सकते हो, राइट। तो उसके बाद आती है हमारी ऑर्डर फ्लो। देखो कॉन्सेप्ट बहुत ही डिफरेंट है यहाँ, कुछ लोग इसको दोनों को एक ही कंपेयर कर रहे हैं, कंप्लीटली डिफरेंट है। लेकिन ऑर्डर फ्लो में आपको क्या क्या मिल जाता है पता है, पर्टिकुलर प्राइस पे हर एक प्राइस पे कितना वॉल्यूम से बाय हुआ है, कितना वॉल्यूम से सेल हुआ है, टोटल कितने वॉल्यूम से यहाँ पे मार्केट में बाय ऑर्डर हुआ है, कितना ऑन द पर्टिकुलर कैंडल पे, राइट, ऑन दिस पर्टिकुलर कैंडल पे कितना मार्केट में बाय ऑर्डर हुआ है, कितना मार्केट में सेल ऑर्डर हुआ है, ओवरऑल ट्रेंड क्या है, कितने कमिटमेंट ऑफ सेलर्स है या कितने कमिटमेंट ऑफ बायर्स है, और पर्टिकुलर प्राइस पे कितना वॉल्यूम बाय साइड हुआ है, सेल साइड हुआ है। इसमें और भी जो चीज़ें हैं जैसे कि कितने यहाँ पे मार्केट बाय ऑर्डर पंच हुए हैं, कितने इट्स लाइक मार्केट सेल ऑर्डर्स, राइट, इस साइड पे मार्केट सेल ऑर्डर्स या लिमिट बायर्स या लिमिट सेलर्स, इसका जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये नंबर्स रिप्रेजेंटेशन आपको कहाँ पे मिलता है, नंबर रिप्रेजेंटेशन आपको ऑर्डर फ्लो में मिल जाता है, ओके। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता था कि इट्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ब्लॉक एंड ऑर्डर फ्लो। यहाँ पे आपको सप्लाई और डिमांड जो ये ब्लॉक दिखाई दे रहा है ना, ये इस ब्लॉक
ये आपको प्राइस एक्शंस के ऊपर ड्रॉ करने रहते हैं, नॉट बेस्ड ऑन द रियल टाइम डेटा। ओके, ऑर्डर फ्लो में आपको जितने भी सप्लाई डिमांड मिलेंगे या जो भी डेटा मिलेगा ये रियल टाइम डेटा पे मिलेगा। यहाँ पे क्या रहता है कि जो प्राइस कैसे बिहेव किया है, कहाँ पे उसका लो, जो प्रीवियस का प्रीवियस कैंडल का उसका लो अगर टेस्ट हुआ है क्या, इसका जो भी इंटरेस्टिंग थिंग्स है ना वो आपको ऑर्डर ब्लॉक्स में मिलेगा। ऑर्डर फ्लो में कम्प्लीटली जो भी एक मार्केट में अगर एक बाय वॉल्यूम पंच हुआ तो उसका कम्प्लीटली वॉल्यूम या डेटा आपको मिल जाएगा। तो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, और मैं यहाँ पे और भी बताऊंगा कि देखो सिंपल है कॉन्सेप्ट, इतना बड़ी कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। आपको सिर्फ चूज करना है कि कौन सा वे आपको चूज कौन से मेथड आपको ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंटेशन करना है, ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर फ्लो। यहाँ पे आपको जितने भी हैं मार्केट स्ट्रक्चर पे डिपेंड रहते हैं, और यहाँ पे कम्प्लीटली जो आता है ना ये सभी वॉल्यूम पे। ओके, तो इसमें सबसे बढ़िया कौन करता है, सबसे बढ़िया अच्छा कौन काम करता है? देखो मैं अगर मैं एक का डे ट्रेडर कर रहा हूँ या फिर स्विंग ट्रेडरिंग कर रहा हूँ, देन ऑर्डर ब्लॉक इज़ द बेस्ट फॉर मी। शॉर्ट शॉर्ट इट इज गोइंग टू वर्क, सबसे अच्छा काम करेगा। ऐसा नहीं कि बकवास काम करेगा, यहाँ पे सबसे अच्छा काम करेगा। इट्स हैव इट्स ओन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस, राइट? तो उसके बाद अगर आपको एक स्कैल्पिंग और एक डे ट्रेडिंग कर रहे हैं, देन आई डू रिकमेंड गो विद द ऑर्डर फ्लो। ये सबसे मोस्ट एक्यूरेट मिल जाती है। कुछ डेटा है, हमें डेटा इस जगह पे नहीं मिल जाती, जैसे कि यहाँ पे पर्टिकुलरली सीरियसली यहाँ पे कोई बाय वॉल्यूम या सेल वॉल्यूम, एग्रेसिव बायर्स और एग्रेसिव सेलर्स वगैरह यहाँ पे या है या नहीं ये पता नहीं चलता। सिर्फ बेस्ड ऑन ये कैंडल जैसे फॉर्म हो रहे हैं उसके ऊपर अपना जो एनालिसिस है एनालिसिस बनाना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे कहाँ पे आके इंस्टीट्यूशन बाय वगैरह किए हैं, इट्स हैव इट्स ओन पैटर्न टू आइडेंटिफाई दैट। ओके, तो इसके ऊपर आप जो भी अपना एनालिसिस है एनालिसिस यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्स पे बना सकते हो। लेकिन वो जो चीज़ें जो आपको इजीली बता देते हैं कि सम वॉट एट दिस लेवल या सम वॉट एट दिस प्राइस द इंस्टीट्यूशनल्स हैज़ टुक देयर प्लेस, और इस जगह पे इंस्टीट्यूशनल्स ने बाई किया है, इस जगह पे इंस्टीट्यूशनल्स ने समवेयर अराउंड ये यहाँ पे सेल किया है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये इन्फॉर्मेशन आपको इजीली पता चल जाता है, और सबसे वॉल्यूम कहाँ पे सबसे ट्रेड हुआ है तो इसके बारे में इजीली पता चल जाता है। तो आप आई होप आपको एक अंदाज़ा लग चुका होगा कि क्या डिफरेंस है ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर फ्लो के बारे में, राइट? तो फिर से यहाँ पे बता देता हूँ कि देखो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, जो ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर फ्लो दोनों सेम नहीं है, बिल्कुल ही सेम नहीं है। वी हैव अ लॉट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ब्लॉक्स एंड ऑर्डर फ्लो के बारे में। आपको कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करना है, आप किस वे के ट्रेडर है, किस टाइप के ट्रेडर है, इट्स डिपेंड ऑन यू। आपको उस तरह से अपना ऑर्डर जो भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी वो सीखना है, राइट? तो ये थी एक स्मॉल कंपेरिजन बिटवीन ऑर्डर ब्लॉक्स और ऑर्डर फ्लो के बारे में। मैं पर्सनली ऑर्डर फ्लो पे एक मेंटरशिप भी ऑफर करता हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो यू कैन ज्वाइन दैट, ज्वाइन हियर। ओके, अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक्स के बारे में सीखना है तो जो लॉजिकल ट्रेडर बारे में बताया था, या ट्रेडिंग हब, ये जो यूट्यूब ट्रेडर्स हैं और यूट्यूब वीडियो जो बनाते हैं, आई थिंक दे आर गोइंग टू गिव यू अ स्मॉल वेरी गुड इन्फॉर्मेशन। आपको यहाँ पे अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, देन आई डू रिकमेंड कि आप यहाँ पे हिंदी में सीखो, इंग्लिश में मत सीखो, हिंदी में सीखो, बिकॉज दिस गाय इज़ अ गुड एट हिंदी, तो आपको जितने भी कॉन्सेप्ट हैं हिंदी में इजीली समझ में आ जाएंगे, राइट? तो ये थी एक स्मॉल कंपैरिजन बिटवीन ऑर्डर ब्लॉक्स एंड ऑर्डर फ्लो। सो आने वाली वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि इम्बैलेंस ऑर्डर ब्लॉक्स में इम्बैलेंस क्या चीज़ है, उसको आइडेंटिफाई कैसे करना चाहिए, और ऑर्डर फ्लो में इम्बैलेंस कैसे है और उसको आइडेंटिफाई कैसे करना चाहिए, और लोग उसे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की तरफ कैसे ट्रेड करते हैं, या इम्बैलेंस को यूज़ करके कैसे ऑर्डर फ्लो में अपना एंट्रीज बनाते हैं, और ऑर्डर फ्लो में भी कैसे अपना इंट्रेस्ट बनाते हैं आने वाली वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो देखने के लिए वी यू नीड टू सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल। तो अगर आपको और भी कुछ डाउट्स होंगे तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। वी आर हैप्पी टू हेल्प यू। सी गाइस, थैंक यू, थैंक यू एंड सी यू इन दिस नेक्स्ट वीडियो।